शाह। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बेटी मीशा भारती इस दौरान मौजूद रहे। बुधवार को ही उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा क्योंकि इस पद के लिए कोई और नेता नामांकन नहीं करने वाला है। हालांकि 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की जाएगी और प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी और सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन दिल्ली पहुंचे। 5 जुलाई 1957 को आरजेडी की स्थापना हुई थी और तब से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन केंद्र कार्यालय दिल्ली, केंद्रीय कैंप कार्यालय पटना और सभी राज्यों के राज्य कार्यालयों में करा दिया गया है।